हेलो एवरीवन और स्वागत है सभी का एमडी टेक इंडिया के एक और नए वीडियो में। और आज मैं आप लोग लेके आ गया हूँ एक और नया प्रोडक्ट का अनबॉक्सिंग जो अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है, वो है रेडमी सोनिक बेस वायरलेस ईयरफोन्स 2। और ये एक और रेडमी की तरफ से एक बजट नेक बैंड का है। तो चलिए अभी ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हैं और ये वीडियो को इसका अनबॉक्सिंग रिव्यू को हम लोग शुरू करते हैं। वेलकम बैक एवरीवन। तो जैसे कि मैं बता था कि ये है न्यूली लॉन्च रेडमी सोनिक बेस वायरलेस ईयरफोन्स 2। और ये रेडमी की तरफ से प्रोवाइडेड एक बजट नेक बैंड है जिसमें आप देख सकते हैं कुछ फीचर्स इसके, जिसमें आपको 16 आवर्स का प्ले बैक टाइम मिल जाता है। इसमें आपको डुअल मैक ENC मिल जाता है, ये आपका IPX5 वाटर रेजिस्टेंट है, ब्लूटूथ 5.2 और इसमें चार्जिंग के लिए आपको टाइप सी सपोर्ट दिया है और बाकी स्पेसिफिकेशन से। और ये एक अच्छा चीज़ है कि अभी आप देख सकते हैं कि ये आपका मेड इन इंडिया है, कि इसका जो मैन्युफैक्चरिंग हुआ है वो इंडिया में ही हुआ है, इस वक्त यहाँ नोएडा में ही हुआ है, ऑप्टिमस इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के द्वारा हुआ है। और इसका जो MRP है वो आप देख सकते हैं 3000 का है, बट जो इसका एक्चुअल प्राइस है वो ₹311.99 यानी ₹1200 का मिल जाता है। और भी इसका सेल चालू है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इसका मंथ एंड ईयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग भी बस जुलाई का ही है। और ये आपको दो कलर से मिल जाता है, ब्लू और ब्लैक। हम लोग पास ये ब्लू कलर का है। और यहाँ पर आपको नीचे में ये इसका QR ये दिया हुआ है, आप उसको स्क्रैच करके इसको ऑथेंटिसिटी भी चेक कर सकते हैं, तो हम लोग कोई बाद में चेक करेंगे उसको। तो अभी हम इसको ओपन करते हैं और ओपन करते के साथ ही इसमें तो आप कुछ खाली खाली है, बॉक्स खाली हो गया है। ओपन करते के साथ ही इसमें आपको ये नेकबैंड मिल जाता है और ये कुछ कागजात, छोटे मोटे कागजात है, बड़े से कागजात है, ये कागजात मिल जाते हैं। इसमें आपको ये ईयर टिप्स मिल जाते हैं, छोटे से 1, 2, 3, 4 ईयर टिप्स मिल जाते हैं। और ये आपका है नेक बैंड जो आपका हम लोग का ये ब्लू कलर का है, तो हम लोग इसको निकालते हैं। ओके, तो ये हम लोग का आ गया, ये है हम लोग का न्यू लॉन्च रेडमी सोनिक बेस वायरलेस ईयरफोन्स 2। आगे में यहाँ पर आपको ये ईयर ट्यूब्स मिल जाते हैं जिसमें आपको ये ईयरबड्स लगे हुए हैं, छोटे छोटे ईयरबड्स लगे हुए हैं, गंदा हो गया। और पीछे में यहाँ पर आपको ये मैग्नेटिकली अटैच कर सकते हैं, ये मैग्नेटिकली अटैच होते हैं। यहाँ पर आपको ये बटन दिए हुए हैं जो कि आपका ये प्लस माइनस का बटन है। और यहाँ पर आपको ये चार्जिंग के लिए टाइप सी चार्जिंग का सपोर्ट दिया हुआ है। ये काफी टाइट है, बंद भी हो जाता है, ये अच्छा चीज है। ये यहाँ पर आपको ये इंडिकेटर है कि मैं बस चेक कर लेता हूँ। ओके, ये यहाँ पर आपका ये इंडिकेटर है जो अभी पेयरिंग मोड में है, इसे हम ब्लिंक कर रहा है। पीछे में यहाँ पर आपका ये माइक दिया हुआ है। ऑलराइट फ्रेंड्स, सो यहाँ पर हम लोग अपना डिवाइस लेके आ गए हैं और यहाँ पर देख सकते हैं ये है रेडमी सोनिक बेस ईयरफोन्स 2 का यहाँ पर आ चुका है। तो हम लोग इसको यहाँ पर कनेक्ट कर लेते हैं, तो यहाँ पे इसको हम लोग कर लेते हैं पेयर। और तो इसमें जैसे कि देख सकते ये हो चुका है पेयर रेडमी सोनिक बेस ईयरफोन्स 2। और इसमें हम जैसे कि देख सकते हैं कि ये जो है इसमें आपको केवल सिंगल कोडेक का ही सपोर्ट मिलता है, डुअल कोडेक का सपोर्ट नहीं मिलता है। तो ये एक इसका ड्रॉबैक है, एक डिसएडवांटेज पॉइंट है इसका। तो चलिए अभी हम लोग इसका साउंड टेस्ट करके दिखाते हैं आप लोगों को कि इसका साउंड टेस्ट कैसा रहता है। तो जैसा कि आप लोग सुन सकते हैं कि इसका ऑडियो जो है वो काफ़ी क्लियर है, बट इसमें एक ये है कि इसमें जो आपको आवाज़ है ये आपका नॉर्मली भी जो है ये ज़्यादा बाहर रहा तो लीकेज थोड़ा सा ज़्यादा है, कि हम लोग को बिना ईयरफोन लगाए दिए इसका जो म्यूजिक है वो सुनाई दे रहा है, थोड़ा सा लीकेज ज़्यादा है। तो ऐसे तो अभी मैंने फर्दर के लिए इसको टेस्टिंग किया था, इसमें जो ऑडियो का जो इसका बेस है वो उतना भी कुछ खास नहीं है। और इसका इसमें ट्रेबल है वो बहुत कम है, जिसके कारण इसमें ऑडियो जो है वो काफ़ी क्लियर आता है। हमने कॉल पर भी इसका कुछ ऑडियोज को जो है वो टेस्ट किया था, जिससे जो इसका कॉल ऑडियो वो भी लोग काफ़ी सही लगा, क्लियर आता था।
तो जैसा कि अभी आप सबने सुना ही, इसका आवाज़ जो है वो कॉल के दौरान भी काफ़ी सही था, और इसका पहनने में भी, हम लोग इसको भी पहनने में थे तो इसमें ठीक था, हम लोग का ईयर तक आराम से पहुँच गया। बट ये थोड़ा सा हल्का जो इसका ये वायर है, ये थोड़ा ज़्यादा ही लंबा है, और थोड़ा क्वालिटी भी कोई इतना कुछ खास नहीं है। नॉर्मल जो वायर, प्लास्टिक वायर होता है, वो उसका क्वालिटी दिया है, तो इतना मुझे कुछ खास पसंद नहीं है। बट आवाज़ काफ़ी सही था इस प्राइस में, जो आपका 1200 प्राइस है, काफ़ी सही है। बट एक, क्या आपको ये लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? तो इस प्राइस में आपको बहुत सारे जो है नेक बैंड्स पड़े हुए हैं, यहाँ तक कि आपको TWS भी पड़े हुए हैं, जो आपको इस प्राइस में इससे बेटर जो स्पेसिफिकेशंस दे देते हैं। तो मैं तो सजेस्ट करूँगा कि आप लोग इसको नहीं लीजिए, आप लोग के पास बहुत सारे और ऑप्शंस है। बट अगर आप लोग रेडमी के फ़ैन हैं, बेस पसंद है, ऑडियो क्लियर चाहिए, ज़्यादा वारंटी चाहिए, तो आप लोग इसको ले सकते हैं, और मेड इन इंडिया चाहिए तो आप लोग इसको ले सकते हैं। तो इसी के साथ जो हम लोग आज का ये वीडियो यहाँ पर एंड करते हैं। तो आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आया हो, और मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में एक नए अनबॉक्सिंग के साथ, जो कि होने वाला है Redmi Buds 3 Active का, जो कि हम लोग जल्दी ही आने वाला है। तो जैसे जब आता है तो हम लोग उसको करते हैं अनबॉक्सिंग। तो तब तक के लिए मैं आपको सुविधा लेता हूँ, और मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, और टाटा। Thank you.